नाउ द टॉपिक इज मोर रूल्स फॉर सेफ्टी एट होम। और घर में हम क्या काम कर सकते हैं जिसकी वजह से हम सेफ रह सकते हैं। सबसे पहले डोंट रन ऑन स्टेयर्स। स्टेयर्स का मतलब है सीढ़ियों। सीढ़ियों पे आपको दौड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आप दौड़ोगे कहीं गिर गए तो आपको चोट लग सकती है। नेक्स्ट, डोंट बेंड ओवर फ्रॉम बालकनीज एंड विंडोज। आपको बालकनीज और विंडो से झांकना नहीं है, ज़्यादा उनमें से निकल के बाहर नहीं देखना है, उससे आप बालकनी या विंडो से नीचे गिर सकते हैं। नेक्स्ट, डोंट टच इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एंड स्विच। बिजली की चीज़ों को आपको नहीं छूना है, उनके स्विच और उससे बिजली से चलने वाली चीज़ों को आपको हाथ नहीं लगाना है। डोंट बर्न फायर क्रैकर्स इनसाइड द हाउस। और जो फायर क्रैकर का मतलब है पटाखे, पटाखे कभी भी आपको घर के अंदर नहीं फोड़ने हैं। डोंट टेक मेडिसिन ऑन योर ओन, अपने आप से। ऑन योर ओन का मतलब क्या है यहाँ पे? अपने आप से। मेडिसिन मतलब क्या है? दवाई नहीं लेनी है। डोंट प्ले विथ प्लास्टिक बैग्स। प्लास्टिक के बैग्स के साथ आपको नहीं खेलना है, आपको उसके अपने फेस पे या सिर पे उसको नहीं लगाना है, इससे क्या हो सकता है, आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सेफ्टी इन द स्विमिंग पूल। बहुत अच्छा लगता है बच्चों को स्विमिंग पूल्स में नहाना, पूल पार्टीज में जाना। गर्मी का मौसम हो तो पानी सबको पसंद है, पूल सबको पसंद है, लेकिन उसमें जाते समय आपको क्या ध्यान रखना है? नेवर गो फॉर अ स्विम अलोन। कभी भी अलोन मतलब अकेले, अकेले आपको कभी भी स्विमिंग के लिए नहीं जाना है। स्टे इन द शेलो एंड ऑफ द पूल। आपको क्या करना है? जो पूल है उसके एंड यानी किनारे पे ही रहना चाहिए, ज़्यादा दूर तक उसको किनारों को छोड़ के आपको नहीं जाना चाहिए। डोंट गो इन द डीप पूल। पूल की गहराई में आपको नहीं जाना है। वियर ब्राइट कॉस्ट्यूम्स। ब्राइट का मतलब क्या हो गया? चमकीले, मतलब जो डार्क कलर्स होते हैं, ब्राइट कलर्स जो होते हैं, उनके कॉस्ट्यूम्स आपको पहनने चाहिए ताकि आप इजीली दूसरों को दूर से दिखाई देते रहें। डोंट पुश एनीवन इन द पूल। और किसी को भी आपको पूल में धकेलना नहीं है, धक्का नहीं देना है, खेलने की जगह नहीं है पूल आपके, ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक इज सेफ्टी ऑन द रोड। अब रोड पे चलते समय, क्योंकि हम लोग घर से बाहर निकलते ही हमारे हमें क्या मिलेगा? सबसे पहले रोड मिलेगी। रोड पे बहुत सारा ट्रैफिक होता है, एनी टाइम गाड़ियां इधर से उधर मूव ऑन करती रहती है, तो उस समय आपको क्या ध्यान रखना है? ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। सबसे पहले तो फुटपाथ पे चलना है, अगर आप पैदल चल रहे हैं तो। रोड के साइड में जो एरिया बना हुआ होता है फुटपाथ, उस पर चलना है। डोंट प्ले और रन ऑन द रोड। आपको खेलना नहीं है, क्योंकि रोड किसी कोई खेलने की जगह नहीं है, और रन यानी दौड़ना भी नहीं है। जेब्रा क्रॉसिंग का यूज करना है हमें कब? जब हम रोड क्रॉस करना चाहते हों। फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स एंड रूल्स। हमेशा ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो कीजिए और ट्रैफिक रूल्स को भी फॉलो करना है। डोंट पुट योर हैंड्स और हेड आउट ऑफ द मूविंग व्हीकल। आपको अपना हाथ और अपना सिर कभी भी चलते हुए व्हीकल से बाहर नहीं निकालना है, इससे आपका कोई ना कोई एक्सीडेंट हो सकता है।